शिवानी शिवानी भीम आप सब यहाँ? ढाबा ऐसा कैसे? बिली बेकर की बेकरी में स्वागत है। क्या खुशबू है। जब से बिली बेकर ने अपनी बेकरी खोली है ढाबे पर कोई आता ही नहीं। चोरों ने कल रात मेरी पूरी बेकरी बर्बाद कर दी। बिली, हमारे दोस्तों से गलती हो गई। छोड़ दो इन्हें। नहीं 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 नहीं, चोर तो चोर होता है चोर। हम इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सुनो भीम, जंगल के बीचों बीच एक जादुई घर है, केक का घर। उस घर में एक लाल पोटली है, वो पोटली ले आओ और अपने दोस्तों को ले जाओ। दोस्तों के लिए कुछ भी। मैं समझ गया, तुम भी उसी बिली की तरह मेरा जादू नुस्खा चुराने आए हो, है ना? हम चोर नहीं। हमें पता नहीं कि ये आपका नुस्खा है। हमें बिली बेकर ने फंसाया है। उस बिली ने सबको परेशान किया है। चलो उस चोर को पकड़ते हैं। चलो, बस एक बार वो पोटली मिल जाए। चोरों की जगह जेल में होती है, जेल में, बेकरी में नहीं, समझे? वाह मन्नू मेरे दोस्त, वाह 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 वाह, 10 में से 7 तीर निशाने पे, 7। याद रहे मन्नू, कल भी 10 में 7। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना? ओ चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ चलो दोस्तों। शहर को तबाह कर देगा। हमें इस जहाज को तोड़ना होगा।
बोलो बोलो, तुम ये वाला उठाओ। रुको 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 रुको, पत्थर मत फेंको, लगता है जहाज पर कुछ लोग हैं। ऐसे तो हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। मदद तो हम जरूर करेंगे राजू, अब जो भी हो मैं आगे बढ़कर निपटता हूँ इस जहाज से। भीम! हाँ अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? तुम्हारा निशाना कभी गलत नहीं होता। कल बोटकपुर की हार पक्की। 10 में 10। ढोलकपुर का तीरंदाज राजू, राजू। राजू, आज के बाद ये सब कहेंगे, जय हो मन्नू, जय हो मन्नू। साहिबा मेहरबान कदरदान, अब शुरू होगा आज का मुकाबला। एक तरफ है बोटकपुर का मन्नू और दूसरी तरफ ढोलकपुर की शान, हमारा राजू। राजू, राजू। और ये मुकाबला शुरू। ओहो मन्नू, मन्नू ये क्या कर रहे हो? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है।